दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 100 गज की प्रॉपर्टी उत्तम नगर के अंदर मेट्रो के बिल्कुल पास में और भैया स्पेस जैसे कि आप देख पा रहे हो कितना बड़ा। झूमर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, पंखे लगे हुए देंगे, हर एक चीज बिल्कुल सिस्टमेटिक लगे हुए तरीके से मिलने वाली है आपको। बहुत बढ़िया फ्लैट मिलने वाला है, पूरी वीडियो देखोगे प्राइस के साथ मैंने दिखाया, मजा आ जाएगा। हेलो सलाम नमस्ते सस्त्री अकाल के इमछो अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं विराज एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल सनी साहब व्लॉग्स के ऊपर और मुझे देखने वाले मेरे व्यूअर्स को हाथ जोड़ के राम राम भी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी, जैसे कि आप देख पा रहे भाई ऐसे आप हाथ जोड़ करना जरा एक बार अपने उत्तम नगर के अंदर प्रॉपर्टी दिखाते हैं भैया, सारे छोटी छोटी, लेकिन आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाने वाला हूँ इसका स्पेस काफी बड़ा है। मैंने पर अपने क्या नाम है स्टैंड पर लगा रखा है इसलिए मैं अभी आपको पूरा दिखाता हूँ, लेकिन अभी आप पूरी वीडियो के अंदर मैं पूरा इसका राउंड में आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत बड़े प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत बेस्ट रेट पर आपको मिलने वाली है। जिनके पास में आया हूँ मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ उनसे। भैया बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। भैया जरा एक बार बताएं अपने फ्लैट के बारे में और अपनी कंपनी के बारे में बताया जरा एक बार हमारे व्यूअर्स को। गाइस देखो ये कमल एसोसिएट का फ्लैट है, पूरा का 100 गज में सर होने वाला है। अच्छा, ये 100 गज में अपना फ्लैट होने वाला है। मेन रोड मेट्रो से हार्डली आपका 200 मीटर होने वाला है। मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 200 मीटर पैदल जा सकता है, पैदल बिल्कुल आप 2 से 3 मिनट में आप आराम से पैदल पहुंच जाओगे मेन रोड। क्या बात है, मेट्रो के बिल्कुल पास में, बहुत ही पास में, पूरा 100 गज का फ्लैट है। मैं आपको बताऊं इसमें 4 यूनिट बना रखे हैं, ये 3 BHK हो गया अपना, इस साइड में 1 BHK और उस साइड में अपने 2 2 BHK बना रखे हैं। लिफ्ट कार पार्किंग के साथ में फ्लैट होने वाला है, बहुत ही शानदार फ्लैट है। देखो एक बार आइए मैं दिखाने चलता हूँ आपको। दोस्तों अब पूरा पूरा फ्लैट आपको दिखाता हूं, इसके अंदर मैंने फ्लैट की हर एक बारीक से बारीक चीज आपको दिखाई है। अगर आप सोच रहे हैं अपने लिए घर लेने के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से तो एक बार आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन होने वाला है भाई। बिल्कुल सर बिल्कुल, लोन एबल प्रॉपर्टी होती है, 80-90% आपका इजीली लोन हो जाएगा, 80-90% लोन भैया ये आपका प्रोवाइड करा देते हैं। अब देखना स्टार्ट करते हैं पूरी प्रॉपर्टी, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। तो गाइस अभी हम आ गए फ्लैट पे, ये देखो हमारा फ्लैट होने वाला है, देखिए बहुत ही शानदार फ्लैट होने वाला है। अभी हम खड़े हैं गाइस आपके लिविंग एरिया में, मैं आपको बताऊं इसकी खासियत, देखो वॉलपेपर इसमें 3D वॉलपेपर वगैरह यूज करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं एक चीज दिखाऊंगा फ्लैट में घुसते हैं, आपकी फोर सीलिंग देखो कितनी अच्छी फॉल सीलिंग कर रखी है, बहुत ही प्यारी यूनिक सी कर रखी है आपकी, अच्छी खासी फॉल सीलिंग बना रखी है। आपका बात करूं आपके वॉलपेपर की तो 3D वॉलपेपर लगा रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा क्वालिटी मैच वॉलपेपर है, बहुत ही शानदार होने वाला है। यहाँ पे आपका वुडन का वर्क हो रखा है जो कि अच्छा खासा लुक निकल के आ रहा है। इसका गेट भी काफी लंबा चौड़ा लग रहा है। हाँ जी, गेट का साइज मैं आपको बताऊं तो 8 फीट इसकी हाइट है, 4 फीट इसकी चौड़ाई है, तो मतलब 8x4 का गेट है। इसमें चटकनी देखो आपकी इतनी लंबी अच्छी खासी चटकनी वगैरह लगा रखी है। यहाँ पे एक देखो वुडन वर्क हो रखा है, ग्लासेस के साथ में जाएगी, अच्छी खासी लुक निकल के आपकी आ रही है। तो गाइस देख पा रहे हैं जैसे कि आपका वुडन वर्क इतना अच्छा खासा निकल के आ गया, लिविंग एरिया का साइज यहाँ पे अच्छा है। ये आपकी वायरिंग दे रखी है, इंटरकॉम वगैरह की यहाँ पे आपकी आ जाएगी इजिली। सोफे की बात करूँ तो गाइस एल शेप में आपका सोफा आ जाएगा, यहाँ पे 10 सीटर सोफा आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अच्छा खासा स्पेस है, तो 10 सीटर सोफा भी आ जाएगा। सामने आपका टीवी पैनल हो गया, टीवी पैनल जैसे कि देख पा रहे हैं अच्छा खासा टीवी पैनल है, मतलब अच्छा खासा 55 इंच का आपका टीवी इजली आप पे। ये झूमर पंखे सब इसके साथ में लगे मिलेंगे भैया? जी सर, जी सर, इसमें झूमर आपको लगा मिलेगा, फैन आपको लगा मिलेगा। जैसे कि ये झूमर की मैं आपको बताऊं, ये ब्लूटूथ कनेक्ट झूमर है जिसमें आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके, बहुत बढ़िया काफी शानदार लग रहा है जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं। बाकी ये टफ एंड ग्लास का यहाँ पे वर्क रखे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये टफ एंड ग्लास वॉल पेपर है या वॉल पेंटिंग है भैया? ये वॉल पेपर है सर, 3D वॉल पेपर होता है। अगर ये आपको नहीं भी समझ आ रहा तो हम आपको कस्टमाइज करा देंगे, कस्टमाइज करा देते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, क्या बातचीत भैया। तो गाइस मैं अपना लिविंग एरिया आपको दिखा चुका हूँ, जैसे कि लिविंग एरिया का साइज बताऊं मैं आपको, तो इसका साइज होने वाला है 15x18 का साइज होने वाला है, 15x18 15 फुट चौड़ा, 18 फुट आपकी वो होने वाली है, तो बहुत ही अच्छा खासा स्पेस निकल के आते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ में, जो कि बैक साइड में इस साइड में आपका होने वाला है, लिविंग एरिया के लेफ्ट हैंड पे घुसेंगे। तो आइए भाई ये देखो अपना बेडरूम होने वाला है जिसका अच्छा खासा स्पेस आपका निकल के आ रखा है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपकी देखिए जैसे कि आपको बताया बैक साइड रूम है, तो यहाँ पे स्प्लिट एसी की आपकी फिटिंग आ गई जी, स्प्लिट एसी आ गया। यहाँ पे अपना वॉलपेपर की बात करूँ तो यूनिक सा वॉलपेपर है जैसे कि देख पा रहे हैं, सिंपल सा लाइट दे दी। फॉल सीलिंग की बात करूँ तो सिंपल फॉल सीलिंग बना रखी है, लेकिन अच्छी खासी निखार निकल के आ रहा है बिल्कुल पूरा का। तो यहाँ पे आपका ये हो गया ड्रेसिंग एरिया और ये हो गया आपका कबर्ड एरिया जैसे आप देख पा रहे हैं, तो मतलब अलमीरा और ड्रेसिंग दोनों आपका साथ में ही हो गया, अच्छा खासा रैक मतलब स्पेस सारा निकल के आ रखा है, पूरा क्वालिटी वर्क है। टू साइड में आपका सलमाइका लगा रखा है, मतलब
क्वालिटी वर्क है, काम में कोई कमी नहीं है। हमारा एसोसिएट हमेशा ब्रांडेड काम करता है, वो ब्रांडेड ही करते आया है। अच्छा भैया एक चीज बताओ, जैसे कि मैं इसके ऊपर ये फ्लोरिंग देख पा रहा हूँ, काफी बड़ी टाइल लगाई है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर देखिए, ये जो फ्लोरिंग है आपकी, जो टाइल्स है, ये टाइल्स सुमानी की टाइल्स है। जी सुमानी की टाइल्स होती है आपकी। ये इसकी मैं आपको साइज बताऊं तो 2 फीट आपकी चौड़ी होती है, 4 फीट की इसकी हाइट होती है, 2x4 की है। ओके। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4x4 8x4 12 फीट तो ये आपकी लंबाई का रूम हो गया, और ऐसे आप देखेंगे तो आपका 10 फीट का आपका रूम हो गया, मतलब 10x12 फुट का रूम है सर। बिल्कुल। और ये बाहर की तरफ जब हम आते हैं, ये वाली टाइल है, ये भी सेम रहने वाली? हाँ जी सेम, मतलब यही आपकी मैं बताऊँ सुमानी की टाइल्स है, बस इसका कलर चेंज है। okay. कॉम्बिनेशन के हिसाब से सारी चीजें मैच कर रखी हैं, जैसे वो व्हाइट है तो व्हाइट लगा दिया, यहाँ पे आपका ये वुडन का ऐसा वर्क रखा तो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बना रखा है। अब मैं आज लेके चलता हूँ अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ में। देखिए भाई अभी एक कॉमन वॉशरूम है, फिटिंग वगैरह होनी है, अच्छा खासा स्पेस इसका भी निकल के आ रखा है, एंड टू एंड पूरी टाइलिंग कर रखी है जी। इसमें क्या होता है कि आपकी सीलन वगैरह किसी चीज की आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस साइड में अपना आ जाएगा पोर्ट एरिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपकी बॉल हैंगिंग सीट लगेगी, बाकी फिटिंग्स वगैरह आपकी लगेगी। यहाँ पे शावर आ जाएगा, ओके, यहाँ पे वॉल हैंगिंग सीट, गीजर वगैरह की फिटिंग आपकी दे रखी है, तो मतलब अच्छा खासा ये भी आपका वॉशरूम अच्छा खासा स्पेस में है। लेके चलता हूँ गाइस किचन एरिया की तरफ में। अब आइए मैं भाई किचन की तरफ में लेके चलता हूँ आपको। ये हो गया अपना ओपन किचन, हो गया जैसे कि देख पा रहे हैं, अच्छा खासा किचन हो गया ये, बिल्कुल काफी स्पेशियस है। हाँ जी स्पेशियस किचन है, मॉड्यूलर किचन है, 2 से 3 बंदे आराम से इसमें, 3 से 4 बंदे भी खड़े हो सकते हैं इजिली, मतलब। और देखो मैं आपको मॉड्यूलर किचन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रैक्स वगैरह आप देखो यहाँ पे आके, तो मतलब अच्छा खासा ये पूरा स्टेनलेस स्टील का लगा रखा है। और मैं बात करूँ चिमनी की, तो चिमनी हमने लगा के दे रखी है, ये चिमनी आपको लगी लगाई यहाँ पे मिल जाएगी गाइस, ये अभी ऑन नहीं है इसका, वो लगाना है। रैक्स वगैरह आपके अच्छा खासा स्पेस में दे रखे हैं, मतलब टोटल आपके रैक बना रखे हैं, आपका कुछ भी सामान वगैरह रखना हो तो इजिली रख सकते हैं। लाइटिंग आपकी छोटी छोटी लाइटिंग दे रखी है, जैसे कि बहुत ही यूनिक होते हैं जी जी। और ये आपको बताऊं मैं, ये होते हैं हाइड्रोलिक, आप कितना भी जोर से इसे करोगे तो अपना इजली ही जाएगा ये, आराम से बंद होगा, एकदम से बंद होगा, बिल्कुल बिल्कुल खराब नहीं होगा, आपके चांसेस कम, खराब होने के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे आ गया अपना सिंक एरिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी वो टैप लगना बाकी है। हाँ जी सैनिटरी आपकी लगनी बाकी है, क्योंकि सैनिटरी आपको लगा के देंगे हम जी, ये ब्रांडेड। ये अपना हो गया फ्रिज का स्पेस, यहाँ पे अच्छा खासा फ्रिज आ जाएगा, स्पेस यस बड़ा स्विच दिया हुआ है। तो गाइस अब मैं लेके चलूँ किचन आपकी दिखा दिया, अब मैं लेके चलता हूँ फ्रंट वाले बालकनी रूम में, जो कि होने वाला है बालकनी वाला रूम। आइए ये भी काफी स्पेशियस। हाँ जी ये भी अच्छा खासा स्पेस में आपका बेडरूम हो गया, ये हो गया अपना बालकनी बेडरूम, तो अपना बालकनी वाला रूम हो गया। इसमें आपकी सबसे पहले दिखाते हो फॉल सीलिंग, देखो कितनी यूनिक बना रखी है, अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी फॉल सीलिंग इसमें बना रखी है हमने। और आपको दिखाता हूँ मैं लाइट जला के, देखो आप मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हर रूम में आपको फैन वगैरह इजिली आपको मिल जाएगा। वॉलपेपर की बात करूँ तो इसमें भी वॉलपेपर सेम वही 3D वॉलपेपर लगा रखा है जी। अच्छा खासा लाइटिंग के साथ में इस रूम के साथ में आपको मिल जाता है टीवी पैनल। ओके जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस रूम के साथ में आपको टीवी पैनल भी मिल जाता है, और इसी के साथ में आपकी हो जाती है बालकनी एरिया। बालकनी एरिया में जाने से पहले मैं आपको बताऊँ बालकनी एरिया में, तो बालकनी एरिया की बात करूँ तो देख पा रहे हैं बालकनी एरिया का अच्छा खासा स्पेस निकल के आ रखा है गाइस। तो ये हो गया बालकनी एरिया, SS की ग्रेलिंग कर रखी है ये सारी की सारी, जो की जंग रोधक होती है गाइस जी। और ये सामने आपका रोड हो गया, इसके सामने क्या होगा कि ये गली निकाली गई, ये पूरा रोड है और ये रोड 25 फुट का है, तो इसके सामने ना कभी बना है ना कभी बनेगा, क्योंकि रोड पे ही बालकनी है आपकी, तो आपको ऐसा ही ओपन मिलेगा। तो ये मेन रोड बोलते हैं इसको, गली बोलते हैं इसको, ये आपका मैं आपको बताऊं पहले तो वैसे तो रोड ही है 25 फुट की गली है, तो इसको रोड क्या बोलेंगे, रोड ही बोलेंगे, गली क्या बोलेंगे, सॉरी बिल्कुल सही बात है। तो इस पे कोई बनेगा भी नहीं, तो इजली ये जहाँ पे आप खड़े हैं भाई, ये देखो आपका ये वॉशिंग मशीन एरिया होने वाला है आपका, ये एरिया हो गया, ओके यहाँ पे इजली आपका वॉशिंग मशीन आ जाएगा। तो गाइस अब लेके चलते हो अपने मास्टर बेडरूम की तरफ में, जो कि सबसे अच्छा अपना सबसे बड़ा बेडरूम हो रखा है, बिल्कुल। आइए ये होने वाला है अपना मास्टर बेडरूम अटैच वॉशरूम के साथ में, जो कि बहुत ही प्यारा लुक निकल के आ रखा है, बहुत ही प्यारा बना रखा है इसको, सेम वही वॉलपेपर अपना 3D वाला, सेम वही फॉल सीलिंग की बात करूँ तो बहुत ही यूनिक फॉल सीलिंग बना रखी है इसकी अच्छी खासी। इस रूम के साथ में आपको गैस मिल जाता है टीवी पैनल, यहाँ पे टीवी पैनल भी हो गया, और इसको आप यूज कर सकते हैं कंप्यूटर टेबल है या स्टडी टेबल के हिसाब से, आप यहाँ पे चेयर लगा के स्टडी आराम से इजिली कर सकते हैं जी। स्विच दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया ये विंडो होगी, सेम यहीं पे वही आपकी विंडो एसी की फिटिंग होगी गाइस, यहाँ पे भी स्विच दे रखा है। अटैच वॉशरूम जैसे कि आपको बताया ये मास्टर बेडरूम है अपना, तो इसमें आपका अटैच वॉशरूम हो जाएगा,
अभी सैनिटरी पेंटिंग बाकी है इसके अंदर में भी। हाँ जी हाँ जी, मैं आपको बताऊँ सैनिटरी लगनी अभी बाकी है, काम चल ही रहा है, ये होने वाला है 3 BHK। और दूसरा मैं बताऊँ कि बहुत ही छोटे बनते हैं आपके जो मास्टर बेडरूम के वॉशरूम होते हैं, इसका अच्छा खासा स्पेस निकल के आ रहा है जैसे देख पा रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट के लिए यहाँ पे वो लग जाएगा, आपको बताऊँ एंड टू एंड टाइलिंग। अब मैं गाइस लेके चलता हूँ, ये देखिए अपनी अलमीरा सेक्शन हो गया, अलमीरा एंड ड्रेसिंग दोनों चीजें इसके अंदर भी मेरे पास है। ये हो गया आपका अलमीरा, ऊपर भी रैक्स बना रखे हैं, यहाँ पे आपका वो लग जाएगा इजीली। और ये हो गया आपका ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पे आपका वो ग्लास हम लगवा के देंगे, सीधा आपको यहाँ पे लगवा के देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ड्रेसिंग प्लस अलमीरा हो गया आपका, दोनों जॉइंट हो गया। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। एक बार बाहर की तरफ चलते हैं भैया। हाँ जी आइए। और जरा अब ये कोई अगर फ्लैट आपसे लेना चाहता हो, हाँ हाँ, तो इसका कैसे प्रोसेस है, पेमेंट प्रोसेस कितने तकरीबन इसकी कीमत है? सर देखिए कुछ नहीं करना है हमारे व्यूअर्स को, देखिए कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको लेके आना सिर्फ 21,000 रुपये। 21,000 में अपना फ्लैट बुक करिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुक करिए, क्योंकि डिमांड आजकल बहुत चलती है। जैसे कि एक चीज और होती है, आज के डेट के अंदर क्या होता है, लोग बुकिंग अमाउंट दे देते हैं, लेकिन बुकिंग अमाउंट के बाद में अगर किसी पेपर के अंदर कुछ नुक्स रह जाता है तो क्या पैसे वापस होते हैं या फिर खत्म कर देते हैं? प्रॉपर्टी लेने का मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, आपने सिर्फ 21,000 अभी लेके आना है, जो कि होती है टोकन मनी, आपको करना है उसके अभी इतना 3 या 4 डेज के अंदर में 10% डाउन पेमेंट, जो कि 10% डाउन पेमेंट होती है। उसके बाद आपका बनता है एग्रीमेंट, उसमें मेंशन होता है कोर्ट का एग्रीमेंट होता है कि किसी कारण आपका लोन नहीं होता प्रॉपर्टी में, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आपका एक एक पैसा रिफंडेबल होगा। बहुत बढ़िया, so ये पूरा एग्रीमेंट आपको मिल जाता है। बहुत बढ़िया। सो इस फ्लैट, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो प्रॉपर्टी का रेट ऐसे नहीं बताऊंगा, दिए गए नंबर पे कॉल करो, ज्यादा से ज्यादा विजिट करो, और ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारा खुद का चैनल है यूट्यूब चैनल कमल एसोसिएट, उस पे जाके आप देखो डे बाय डे, वहाँ पे आपको वीडियो की अपडेट्स मिलती जाएगी, रेट की अपडेट मिलती जाएगी, हर चीज की डिटेल आपको वहीं पे मिल जाएगी, कमल एसोसिएट पे जाके आप सर्च कर सकते हो। तो गाइस जैसे देख पाए आपने, बहुत ही अच्छा हमारा फ्लैट है, आप आइए विजिट करिए इसको, बुकिंग करिए, तब तक के लिए करते हैं।